सदानंद को जी इधर डॉक्टर सुखदेव साहब से प्रश्न किया। सबसे पहले मैं अलवी साहब की सवाने जो है वो मैं तैयबा की लिखी हुई जो है वो मैं तैयबा लिखती है कि प्रोफेसर रईस अलवी 7 मई 1946 को लखनऊ भारत में पैदा हुए। डॉक्टर प्रोफेसर अलवी की वालदा माजदा बर सदीब के मुमताज सूफी बुजुर्ग सैयद शाह वारिस हसन शाह ओढ़वी जहां आबादी की दफ्तर थी, जिनके खलीफा मुमताज साफी मुसनफ सूफी सैयद जौकी शाह थे। प्रोफेसर अलवी ने मैट्रिक और एफए लखनऊ के यूपी बोर्ड से किया। 1961 में पाकिस्तान के लिए हिजरत की। बीए कराची के नेशनल कॉलेज से 1965 में एमए उर्दू में और एमए उर्दू कराची यूनिवर्सिटी से 1965 में किया। फिर कराची में सिराजुद्दौला कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हो गए। वो टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान में उर्दू के प्रोफेसर तैनात रहने के बाद जापान से वापसी पर सिंध में तालीम के इंतजामी उमूर से वाबस्ता हुए। हुकूमत सिंध में एडिशनल सेक्रेटरी तालीम और कराची के शहरी हुकूमत में महकमा तालीम के सरबराह रहे। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रहे और कलंदर शहबाज यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। प्रोफेसर अलवी का शुमार जापान शायरी हाइको के मारूफ शायरों में होता है। वो हाइको शायरी किताबों के उर्दू जबान में मुतरजम भी थे। जापानी अदब के सरगर्म मौकिफ थे। प्रोफेसर रईस अलवी को पाकिस्तान जापान दोस्ती के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर जापान की हुकूमत ने बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा था। इस एजाज को द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड रेस विद रोजेट कहा जाता है। 2007 में भारत में हिंदुस्तान में हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी यूपी ने उर्दू जुबान की खिदमत के इकराफ में प्रोफेसर रईस अलवी को अदबी अवार्ड से नवाजा। फैजाबाद फेस्ट के बाद ये दूसरा अवार्ड था जो किसी पाकिस्तानी को मिला। प्रोफेसर अलवी ने 2010 में न्यूजीलैंड में उर्दू जुबान और अदब के फरोग के लिए उर्दू हिंदी कल्चरल एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड का न सिर्फ खाका पेश किया बल्कि एसोसिएशन के क्याम के बाद उसके सरपरस्त आला भी मुकर्रर हुए। 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया की शहर सिडनी और मेलबर्न में उर्दू जुबान और अदब की तरवीज और फरोग के लिए भी अहम किरदार तवील रिफाकत का अलवी साहब से। मेरा ख्याल है कि इकबाल आदमी साहब के बाद मैं दूसरा आदमी हूँ जो रईस अलवी साहब से बहुत ज़माने से वाकिफ हूँ। ये निस्फ सदी यानी 50 साल से ज़्यादा का किस्सा है। मैं प्रोफेसर अलवी को उस ज़माने से जानता हूँ जब वो कराची के सरकारी कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर थे और साथ ही मगरबी पाकिस्तान लेक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, जो एसोसिएशन की सब अनीता गुलाम अली और अलवी साहब के क़यादत में तालीमी इदारों को सरकारी तहरीर में लिए जाने और उसके बाद उनकी तालीमी इस्लाहात की तहरीक चलाई। मैं उस ज़माने में मशहूर अखबार में तालीमी मामला की रिपोर्टिंग करता था और इस हवाले से अनीता गुलाम अली से मेरी पूछती थी। अनीता सिंध हाईकोर्ट के जज गुलाम अली की बेटी थी और रेडियो पाकिस्तान पर अंग्रेजी जुबान की ब्रॉडकास्टर थी। मैं खबरों की तलाश में अक्सर उनसे मिलते उनके घर जाता था जहाँ पहली बार मेरी प्रोफेसर रईस अलवी साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद कॉलेजों के असातिज़ा की तहरीक और तालीमी इस्लाहात के बारे में खबरों का जरिया अलवी साहब बन गए। यह गालिबा 1971-72 की बात है। तालीमी इदारे कामयाबी गए तो अलवी साहब महकमा तालीम की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हो गए। कराची और वो कराची सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी तालीमी बोर्ड के सरबराह बन गए। बोर्ड का दफ्तर पापुश नगर में था जहां मैं कई बार उनसे मिलने गया। उसके कई साल बाद तक मुलाकात नहीं हुई। मैं सहाफत की तालीम के लिए यूरोप चला गया, वापस आया तो अपना अखबार निकालने लगा। उसके बाद फौजी आमरीत के खिलाफ तहरीकों का हिस्सा बना, जेलें काटी और जिला वतन हुआ। इस अरसे में अलवी साहब से मुलाकात नहीं हुई। गालिबा उसी ज़माने में वो भी जापान चले गए थे और वहाँ की एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए थे। बहुत सालों बाद मेरी उनसे सिडनी में 2007 में मुलाकात हुई। मैं यूएई से आया हुआ था और मेरे अफसानों को मजबूर पी डी लकीर की तारुफी तकरीब थी। तकरीब से एक दिन पहले रिहान रवि ने बताया कि रईस अलवी साहब अपने बेटे के पास सिडनी आए हुए। फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो उसी सुबह वापस जा रहे हैं और उनकी फ्लाइट बुक है।
मैंने दरख्वास्त की कि परवाज एक दिन के लिए मुलतवी कर दें। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा मुमकिन होगा, लेकिन मुझे सब हैरत हुई जब वो अपनी फ्लाइट मुलतवी करके तकरीब में शिरकत करने अपने बेटे सफी अली के साथ तशरीफ लाया। सिडनी में रहने वाले उनके खानदान से ये मेरी पहली मुलाकात थी। अलवी साहब ने 2007 की मेरी किताब की इस तकरीर में पुराने हवाले से बहुत जोशीली और जज्बाती तकरीर की। उन्होंने मेरे इस यकीन को पुख्ता किया कि अच्छी दोस्तियाँ वक्त की कैद से आजाद होती हैं। यास्मीन फॉरन फैकल्टी प्रोफेसर होकर कराची यूनिवर्सिटी चली गई थी, जहाँ पीरजादा कासिम वाइस चांसलर थे। मैं जब भी कराची जाता पीर साहब से मिलने जाता, वहाँ मालूम हुआ कि अलवी साहब रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के इंतजामी मामला चलाने वाली सबसे अहम पोजिशन। मेरी मुलाकात में तो बंद हुई, लेकिन यास्मीन उनसे मुस्तकिल रबते रहे। हम 2013 में सिडनी वापस आ गए और उसी के एक साल बाद 2014 में उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया कायम थी। उस जमाने में रईस अलवी साहब कराची में कैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। मैं कराची गया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के सालाना केंद्र में मुकाबला खास मुझे बुलाया और उससे अगले साल जब मैं कराची में था तो अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुझे मेहमान खुसूसी बनाने का एजाज़ भी दिया। उसके बाद रईस अलवी साहब मुस्तकिल सिडनी आ गए थे और वो उर्दू इंटरनेशनल के प्रोग्रामों का एक लाजमी और बाकायदा हिस्सा बन गए थे। ज़्यादा अच्छी यादों का हम शेयर कर सकते हैं, एक बार आदि साहब शेयर कर सकते हैं उनसे। इस बार आदि साहब जो है वो न सिर्फ कॉलेज के बल्कि उनके स्कूल के ज़माने से लखनऊ में उनके जो है वो साथी थे, उनके हम जमात थे। मुझे नहीं पता कि उससे ऊँची जमात या निचली जमात थी, लेकिन ये बहरहाल हम मकतब थे। और अलवी साहब बल्कि रईस अलवी साहब कहते भी थे कि आबदी साहब के जो वालिद हैं उन्होंने उन्हें पढ़ाया भी था। तो मैं बिल्कुल आबदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाए और कुछ अपनी यादें जो हैं वो हमसे शेयर करें। इस बार आपके साथ शख्सियत का एक पहलू था जो तकरीबन सारे हमारे क्लास के दोस्त उनको जानते थे। रईस भाई इनसे मेरी मुलाकात 1957 में हुई, जब हम दोनों और क्लास में शिया कॉलेज में। उसके पहले मुझे उर्दू नहीं आती, बोलने वाली उर्दू आती थी क्योंकि घर में वो माहौल था, लेकिन मैंने कभी फॉर्मली उर्दू ना पढ़ी ना लिखी। और ये हम तीनों भाइयों का यही आंसर था, ये उसके गवाह हैं। 9वीं क्लास में जब हम पहुंचे तो उस वक्त या कॉलेज के स्टूडेंट्स में बहुत ही पॉपुलर कल्चर था जासूसी दुनिया का, इनमें सभी की जासूसी। तो क्लास खत्म होने के बाद या क्लासेस के दौरान में जो टी सेंटर हुआ करता था, हम लोग उसको कैफे डफूस कहते थे, वहाँ अगर बैठ करके तो उस टी हाउस में जो लड़के बैठते थे आपस में बातें करते थे, उसमें जासूसी दुनिया का भी जिक्र होता था। उसके कैरेक्टर्स की एनालिसिस होती थी, जबान की एनालिसिस होती थी और इब्ने सफी साहब की काम की भी एनालिसिस होती थी। तो मैं बहुत परेशान होता था कि मैं बेवकूफ़ों की तरह से यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये सब लोग ये बातें कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही रईस भाई से कहा कि ये कुछ बताइए आप मुझे इसके बारे में। तो उनको जब तक ये अंदाज़ा हो गया था कि मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती, बहरहाल उन्होंने मुझे एक आध किताबें दी उधार। इनके पास अच्छी लाइब्रेरी थी, हमारे कॉलेज के बिल्कुल ही पड़ोस में रहते थे ये। तो किसी वक्त इंटरवल के दौरान या किसी वक्त इनके घर चले गए, लाइब्रेरी में से एक किताब निकाल ली, दूसरी निकाल ली। और ऐसे
करते करते हिज्जे आती थी, हिज्जे कर करके मैंने उर्दू पढ़ना सीखा। लिखना अभी तक नहीं आया बस वही, लेकिन उर्दू पढ़ना मैंने इसी तरीके से, मतलब इनकी रही था इनकी काविशों की बदौलत, और कुछ इब्न सफ़ी का तर्ज बयां ऐसा था कि मुझे उर्दू आ गई पढ़ना। हालांकि वो बस उसी हद तक महदूद रही, उसके आगे मैंने उर्दू अदब पर से नहीं पढ़ा। शायरी पढ़ता था, यस, शायरी सुनता भी था। तो ये मैं अभी तक इस बात को और जिससे भी मेरी मुलाकात हुई जो रईस भाई को जानता था, मैंने इस किस्से का जिक्र ज़रूर किया है कि मुझे इनकी बदौलत उर्दू आई है। उर्दू अदब पर से नहीं आया, लेकिन उर्दू पढ़ना मैंने इन्हीं की बदौलत सीखा। तीन चार साल के बाद वो चले गए पाकिस्तान, फिर हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। उसके बाद मैं 68 में यहाँ आ गया, तो और भी जो पॉसिबिलिटीज थी वो भी ख़त्म हो गई। इत्तेफाक से मैं एक बार पाकिस्तान गया 92, तो हमारे एक कॉमन दोस्त है, उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है यहाँ रईस रहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे जरूर मिला ही है। तो इनके घर गए, वो उसी मोहब्बत से मिले जिस मोहब्बत से पिछले 30-35 साल पहले मिलते थे हम लोग, उसी मोहब्बत से। फिर उसके बाद इत्तेफाकन उनसे मुलाकात दिल्ली में की हुई। उनका रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि अभी कल को मिले हैं और अभी कल को बता। फिर यहाँ इत्तेफाक से मुलाकात हुई सिद्धू में, जब वो शायद पहली बार आए थे और एक मुशायरे में शिरकत कर रहे थे। तो उस मुशायरे में मैंने इनको देखा कि स्टेज के ऊपर बैठे, पहचान में जब भी गया था इनको। जब मुशायरा ख़त्म हो गया तो फिर मैं इनके पास गया और इन्होंने भी मुझे और पहचाना, और उसके बाद से फिर हम लोग मुस्तकिल मिलते रहे। लेकिन हमारी हमारे ताल्लुकात, हमारा रिश्ता, शख्सी रिश्ता, पर्सनल रिश्ता था, हमारा अदब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इनका था। मुझे ये भी नहीं पता था कि इनका अदब से कहाँ तक ताल्लुक है, लेकिन हमारा शख्सी रिश्ता था। और जाहिर बात है कि उस रिश्ते की बुनियाद पर मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ उनके बेवक्त जाने का। अरे अल्लाह उनकी रूह को समझते, उनको दुआ, मैं दुआ कर सकता हूँ और तो मैं नहीं कुछ कह सकता, इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने बहुत बहुत मोहब्बत से बहुत अच्छी तरह आपने सब कुछ, मेरा ख्याल जो लफ्ज़ हम लिखने वाले लोग जानते हैं, जो लफ्ज़ मेहनत करके बनाए जाते हैं उनके मुकाबले में वो लफ्ज़ ज़्यादा असर होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा पावरफुल बदी जो कहे जाए और उनमें एक तासुब भी खुला होता है, मोहब्बत भी खुली होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा हाफिज़ साहब का 1957 से लेकर अब तक की कहानी जो है सुनी। ये जब हमने फेसबुक पर ये रईस साहब की याद में इस प्रोग्राम के बारे में डाला था, वहाँ काफ़ी लोगों ने वहाँ से रब्ता भी किया और ख्वाहिश भी की कि अगर किसी तरह हम ऑनलाइन इसमें शरीक हो सके, लेकिन वो मुश्किल काम था। लेकिन कई लोगों ने, वैसे मैं ख़ास तौर पर चाहता था डॉक्टर की ज़्यादा खासियत, जो कि उनके पुराने दोस्त भी थे, उनके साथी भी थे, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के रहे, अगर रही साफ वो के बारे में ये ज़्यादा साफ का एक मैसेज है, लेकिन वो बदकस्मती से वो पाकिस्तान में थे, अमरीका गए थे तो उनसे आपका जो है। लेकिन एक और हमारी दोस्त है कराची में, महनाज रहमान। महनाज एक वैसे तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त और
पाकिस्तान के साथियों की बड़े रहनुमा एहफाज़ुर्रहमान की बेगम है, लेकिन वो खुद एक ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी खबर है। वहाँ जो एक मशहूर औरत फाउंडेशन है पाकिस्तान में, वो उसे रन करती हैं। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ ज़रूर अभी साहब को जानती थी, तो वो उन्होंने मुझे एक छोटा सा मैसेज उनके बारे में जो लिखा है वो भेजा, वो मैं पढ़ देता हूँ। ये बहनाज रहमान कह रही है कि 1965 में राजा शाह महमूदाबाद और अबुल हसन असफ़ानी ने सिराजुद्दौला कॉलेज कायम किया। हमें फर्स्ट ईयर में उर्दू मशहूर नफात प्रोफेसर मुश्तबा साहब ने पढ़ाई। जब हम सेकेंड ईयर में आए तो नए बैच के लिए गोरे चिट्टे छरेरे रईस रजी साहब का तकर्रुर हुआ। उनकी होने वाली बेगम जुबैदा अफवा कॉलेज में पढ़ाती थी। रईस साहब के छोटे भाई मुनिस मेरे क्लास फेलो थे। इंटर के बाद मैं तो दूसरे कॉलेज में चली गई और कुछ सालों बाद भुट्टो साहब ने तालीमी इदारे कामयाब किए, लेकिन हम पुराने असातिज़े की खबर रखते थे। रईस साहब एक मुमताज़ शायर और माहिर तालीम की हैसियत से अपना मुकाम बनाते चले गए। उन्होंने अपनी तदरीस के शोबे में बहुत तरक्की की और जापान में भी काम किया। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात 2-3 साल कब्ल प्रोफेसर कफील मरहूम की सकाफती तंजीम के प्रोग्राम में हुई, जिसमें मुझे बहसियत स्पीकर मदु किया गया था। तब उन्होंने मुझे बताया कि जुबैदा भाभी का इंतकाल बरसों पहले हो गया था। मैं उनके लहजे में छुपे हुए दुख को महसूस कर सकती थी। अल्लाह दोनों को फिरदौस से बरी में जगह दे। ये सच्चा कि वो कुछ कोई नज़्म तालिबान कोई पढ़ना चाह रही थी रईस साहब के हवाले से, तो मैं आपको ज़्यादा दूंगा। शायद इस महफिल में जो लोग मौजूद हैं उनमें सबसे आखिरी मुलाकात मेरी और इकबाल की रईस भाई से हुई, जो कि उनके इंतकाल से 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है, या शायद 4 हफ्ते, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और हमारी खुशकिस्मती थी कि उनके इतना अच्छा यहाँ दोस्तों का हलका है। अगर वो और मैं भी उनके मैसेज देख रही थी कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि लोगों से मिलूँ, और अपनी सेहत की तरफ से अपनी बहुत दुबले हो गए थे, बहुत नहीं हो गए थे कि मैं ज़रा बेहतर हो जाऊँ कि सबसे मिलूँगा। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने हमें कहा कि नहीं सबा और इकबाल को आने दो, क्योंकि इकबाल तो मेरे बचपन का दोस्त है, उसने मुझे हर हाल में देखा है। और सच मानिए कि रईस भाई की शख्सियत में एक अजीब और गरीब किस्म का चांद था। मैं तो उन्हें यहाँ पर मिली और मैंने कहा इकबाल तुम्हारे दोस्तों में, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत सुलझे हुए दिमाग के, बड़े पढ़े लिखे, रोशन ख्याल, और उनकी सोबत में बैठ के हमेशा कोई कुछ सीखता था। मुझे याद है कि वो हमारे घर में जब आखिरी बार आए तो एक अदबी मुबाहिसे सिलसिला, तो ये डिस्कशन हुआ कि गालिब और इकबाल में कौन बेहतर शायर है। तो सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे कि क्या बात है क्या है, और ऑफ कोर्स ही हैड द लास्ट वर्ड, क्योंकि फिर मैंने कहा रईस भाई आप इस पे रोशनी डालिए। और इस कदर उन्होंने मुस्तनद और एक अच्छी अंदाज से एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत बेहतरीन मुकर्रर थे वो, बहुत उमदा पब्लिक स्पीकिंग करते थे और बड़े थिंकिंग इंसान थे। नॉलेज होना एक चीज़ है और रिफ्लेक्ट करना थिंक, ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी खसूसियत थी कि वो सोच समझ के और बड़ी गहरी नज़र रखते थे चीज़ों पर। और मुझे वो आज तक मैं भूल नहीं पाती, वो इतना अच्छा डिस्कशन था हमारे घर पर जिस पर उन्होंने रोशनी डाली कि गालिब को गालिब किस चीज़ ने बनाया और इकबाल को इकबाल किस चीज़ ने बनाया। और इसके अलावा रईस भाई मुझे हमेशा लेडी कह के बुलाते थे, ये मुझे मालूम नहीं है मुझे लेडी क्यों कहते थे, लेकिन शायद वो जासूसी दुनिया में लेडी कह के मुखातिब किया जाता था, तो वो उन्होंने मुझे दे रखा था एक तरह से, हाँ इंतहाब मुखातिब करने का तर्ज़ मुखातिब बना लिया था, तो मुझे बड़ी हंसी दी आती थी। हमारे बाल अक्सर हंसते थे कि मुझे भी कौन सी ऐसा लेडी बने जो मुझे लेडी कह के मुखातिब करते हैं। पर रईस भाई बहुत बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, और मैंने उनको उससे गुजारिश की थी कि मैं अपनी अम्मी की शायरी का इंतखाब उनके मुख्तलिफ मजमुओं से करना चाहती हूँ। तो रईस भाई ने उसका पूरा, मैंने कहा रईस भाई आप मुझे सेकेंड ओपिनियन, तो उन्होंने पूरी नसारी की किताबें पढ़ के उसमें सेलेक्शन किया कि कौन सी नस्लें इस काबिल मेरे शामिल,
और आखिरी बार जब हमारे घर आए तो वो सारी किताबें लेके आए, कहने मैंने सब माफ़ कर दिया, अब तुम इसको यूँ रह गए। देखिए अफसोस कि जिंदगी ने वफा नहीं की और वो चले गए और वो काम अभी अधूरा ही रह गया। मैंने कहा रईस भाई इस पर आपको वो भी लिखना है इंट्रोडक्शन या जो भी है, अगर इसको पता था क्या होगा। फिर हमारे बहुत अच्छे दोस्त यूसुफ हुसैन लिखे, जो कि जिनको मैं भी अपने यंग उम्र से जानती थी और रईस भाई के बहुत चहीते दोस्त थे, तो वो कह रहे भाई सबा वो फौरन हमारी उनकी एक और रिश्ते से दोस्ती हो गई। तो ये सब बातें मैं आज एक बड़ी खूबसूरत नज़्म मुझे याद आई कि रईस भाई का यूँ अचानक चले जाना, बेवक्त चले जाना, और इतनी मतलब इतनी क्वाइटली इन्होंने ये भी चाहते थे कि कोई उनके आगे ईमानदारी करे, कोई उनकी मिजाज उसी के लिए आए खामोशी से। और जैसा कि मुझे रही सती और भैया ने बताया कि उनको जब वो आखिरी बार अस्पताल से लौट के आए तो दो दिन पहले अपने इंतकाल से उन्होंने सारे काम किए अपने, जिसे कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी का खुलासा किया कि किसको क्या करना है क्या देना है, लंबे इंस्ट्रक्शंस दिए, ईमेल सिखाई बैठ के। तो जहनी तौर पर वो अलर्ट थे और शायद उनको पता था कि उनका अंजाम अब करीब है। सर जज्बात का तूफान खामोश, सर ताबिंदा निगाहों की शरर, सर पर कैफियत सर पर कैफियत गम की सुलगती हुई आग, जामिल पुरशोर से गिर जाने को नाकाम तमन्ना की मैं, जामिल पुरशोर से गिर जाने दो नाकाम तमन्ना की मैं, परशे मैखाने उल्फत पे उलट दो सागर, परशे मैखाने उल्फत पे उलट दो सागर, सर नगूं बंद दरीचों में उम्मीदे के उम्मीदों के दिए गुल कर दो, सर लगू बंद दरीचों में उम्मीदों के दिए गुल कर दो, दास्तां सोजे मोहब्बत की अधूरी है मगर, अलमिया खत्म हुआ दिल शिकन आखिरी मंजर पे गिरा दो पर्दा, दिल शिकन आखिरी मंजर पे गिरा दो पर्दा, तो फ़क्र अज़ीज़ से एक और सितारा। रईस भाई आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और बहुत मुख्तसर जो आपसे ताल्लुक रहा ये हमारी खुशकस्मती थी। थैंक्स फॉर कमिंग इन टू आवर लाइव्स। इससे पहले कि हम अरे मुशायरे का आगाज़ करें, मैं सदर महफिल दिलान डॉक्टर शब्बीर हैदर साहब से अपनी बात करूँ, रईस अली साहब के बारे में अपनी बात सुना डॉक्टर शब्बीर हैदर साहब। मुंतजर बैठे हैं चुपचाप सदा आएगी, मुंतजिर बैठे हैं चुपचाप सदा आएगी, ना गुमा होगा ना आहट के कजा आएगी। प्रोफेसर रईस अली साहब के साथ हमारी एसोसिएशन जो है सिडनी में ही जो हुई, सो बहुत ही खूबसूरत तजर्बा है हमारा, नहायत ही खूबसूरत इंसान, खुशपोश, धीमे धीमे लहजे में गुफ्तार और ऐसे के लगे फूल झड़ झड़ रहे हैं। एक उनके साथ बैठ के एक बड़ा लुत्फ आता था, एक दानश्वर उस्ताद ज़बानों का माहिर खूबसूरत शायर अपनी जहानत और मेहनत के एक लंबे सफ़र को तय करने के बाद और अपनी काबिलियत मेहनत और हर काम के साथ नहायत ज़िम्मेदारी और वफा को निभाते हुए अपना सिक्का मनवाने के बाद यूँ रुखसत हुए कि यकीन नहीं आता। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और खूबसूरत अशार उसी तरह चेहरों के सामने हैं। जाने किधर गई वो आंख, जाने वो ख्वाब क्या हुआ, जिनके लिए खजा में भी बाकी सब हरा हुआ।
जापान का नेशनल अवार्ड उनको मिला था और उसको उन्होंने कराची में रिसीव करना था। मुझे फरमाया कि मैं जल्दी जाना चाहता हूँ और मुझे कोविड के लिए वैक्सीनेशन चाहिए, तो सिडनी में ज़रा लंबी थी वेटिंग लिस्ट। तो मैंने उनका वहाँ पे ग्राम में इंतजाम किया, तो तशरीफ लाए, तो पहली नीडल उन्होंने लगवाई वहाँ से, तो उसके बाद दूसरी अपॉइंटमेंट उन्होंने कहा मुझे जल्दी लगवा दें, तो वो भी हमने अरेंज की हुई थी। तो लेकिन वो जब उनका सेकेंड नीडल का टाइम आया तो वो डॉक्टर सफ़ी का मुझे टेलीफोन आया कि वो आज हम नहीं आ सकते, वो कैंसिल करवा दें आपकी मेरे मुमकिन तबीयत ठीक नहीं। तो वो मैंने फिर उनको पता चला कि वो कैंपबेल टाउन अस्पताल में दाखिल हुए, मैंने वहाँ पे उनसे टेलीफोन पे बात की, तो वो उनके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उन्होंने कहा कि अल्लाह करेगा अभी जल्दी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। तो फिर कुछ दो हफ्ते बाद मैंने जब फिर उनसे टेलीफोन पे बात करने की कोशिश की तो डॉक्टर सभी ने बताया कि वो सीरियस बीमारी है। इस दौरान मेरी सिर्फ एक दफ़ा उनके साथ टेलीफोन पे बात हो सकी और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, उनका तबीयत बहुत अलील थी और मगर फिर भी बहुत ही मोहब्बत और प्यार और सब्र हौसले से वो बात कर रहे थे। और बस यही हुआ कि भाई इंशाल्लाह ज़रा बेहतर होंगे तो हम मिलेंगे। प्रोफेसर रईस अलवी साहब की शख्सियत ऐसी थी कि एक उनसे मिलकर एक तस्कीन मिलती थी, बरकत। जो मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगी जो बतौर शायर, वो ये थी कि उनके जो अशार की अदायगी, अशार की सिलेक्शन, खूबसूरत गज़लें, खूबसूरत नज़में और उनका जो लहजा था और जो मीठी ज़ुबान थी, तो उन्हें बड़ा लुत्फ आता था और फिर हर एक को इनक्रेज करते थे और जहाँ भी कोई उनको बुलाता था वहाँ पहुँच जाते थे। हालांकि बहुत बड़े इंसान थे, यानी मेरी खुशकिस्मती है कि उनकी मौजूदगी में वो एक अख्तर मोहर साहब ने एक तकरीब मुकर्रर की थी और दी थी तकरीब, तो उसमें मुझे उनके सामने बैठकर इन्हीं चीज़ों के इजहार का मौका मिला। तो वो मैंने कहा था कि उनके अशआर जो हैं वो आँख में जिस तरह काजल की डोरी की तरह सजे हुए हों, एक एक लफ्ज़ जो है वो चुन कर तोल कर तराश कर नपे तुले हुए दौरे हाजिर के बाकमाल लिखा है। अपने मौजूए सुखन को परिंदों की सी ममता के साथ चोगा खिलाते, उनके फ़न के मौजूद में ज़िंदगी की महरूमियाँ थीं, तलखियाँ, खूबियाँ, बुराइयाँ, मगर तहरीर व अशार में ऐसी सजी हुई जैसे मोतियों का सौदागर। आपके इल्मी काम, आपकी प्रोफेशनल खिदमात जो हैं और जो डिटेल है वो तैयबा बहन के से की वसात से शाह साहब ने दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ कि एक चीज़ शायद उन्होंने मेंशन नहीं की कि वो जो था स्काउटिंग में भी वो लीडर थे पाकिस्तान में और उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। यानी मतलब है कि अदब और ये दूसरी ज़बानों में महारत और वाइस चांसलर और फिर उन्होंने यूएसए से की यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑनरी डॉक्टरेट मिली। तो वो नहायत खामोश से एक सादा से एक मिलनसार से तो पता नहीं चलता था, हमें पता अब चल रहा है कि वो इतने बड़े आदमी थे।